एक्चुअली 3 अक्टूबर चाहिए एडवांस का डेट क्लियर किया है आप खड़गपुर आईटी ने। सो माय डियर फ्रेंड्स क्लियर, जस्ट सिंपली फॉलो मी, फॉलो माय चैनल, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एंड प्रैक्टिस ऑल दीज प्रॉब्लम्स व्हाटएवर विल बी डिस्कस्ड इन माय चैनल। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन जनरली पूछा जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स क्लियर, जस्ट सिंपली फॉलो मी। इन दिस वीडियो यू विल गेट अ कम्प्लीट आइडिया अबाउट अ मैच मैट्रिक्स कलम 1 एंड कलम 2। यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे इसका आंसर्स है, आपको इसका आंसर ढूंढना है, बस नथिंग एल्स। नाउ सो दिस इज कलम 1 एंड सो दिस इज कलम 2। इफ फ्रॉम 0 to infinity टू दिस एफएक्स इक्वल टू दिस ए क्या होगा। सो मैं डिफरेंट यहीं पे एक ग्राफिकली भी कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। सो दिस इज एफ डैश एक्स, ए क्या होगा देखो। सो दिस इज 1 + x² - 1 x (1 - 1), ठीक है। सो दैट इज x(1), सो दिस इज 1 / 1 + x², ठीक है। सो दिस इज एफ डैश एक्स इज वर्ड, यहीं पे ये क्या है देखो क्लियर। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स क्या, सो दिस इज एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज 1 फंक्शन है। लेकिन यहीं पे क्या है देखो क्लियर, सो दिस इज ये तो 1 हो गया, लेकिन ये जो फंक्शन है ठीक है, जब x टेंड्स टू इंफिनिटी है, सो दिस इज एफ एक्स टेंड्स टू 1 है, वेयर x टेंड्स टू इंफिनिटी। देखो x से डिवाइड कर दो, सो दिस इज जब x से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, x से जब डिवाइड करोगे 1 by 1 + 1 by x, एंड लिमिट इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, सो दैट इज 1 है। सो दैट मीन्स क्या, ये तो रेंज का साथ इक्वल नहीं होगा, सो दैट मीन्स क्या, सो माई डियर फ्रेंड्स सो दिस इज इसका जो आंसर है इसका आंसर ए क्यूब होना चाहिए। सो दिस इज 1 बट नॉट 1 2। Now, with this question, say from r minus 0 to r fx equal to x minus 1 by x. देखो इसका भी आप derivative find कर दो. So this is 1 + 1 by x² ठीक है. So that means क्या, ये तो हमेशा ही positive होगा. Clear, whatever you will consider for x. So f dash x is positive है. ठीक है. लेकिन यहीं पे क्या है, देखो f dash तो positive है. ठीक है क्लियर, इसका जो रेंज है, सो दैट मींस क्या होगा देखो, इसका रेंज, सो दिस इज एफ एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी है, सो दैट मींस क्या हो रहा है देखो, इसका रेंज आर हो गया, सो हियर दिस इज इज पॉजिटिव है क्लियर। ये जो फंक्शन है इंक्रीज क्लियर, लेकिन जब एक्स का वैल्यू 1 पे 0 हो रहा है, देखो 1 पे 0 है, एंड एक्स का जो वैल्यू है -1 पे भी 0 हो रहा है, सो दैट मीन्स क्या, ये तो 1 नहीं होगा, ठीक है 1 नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये तो 2 है, सो दैट मीन्स क्या, दिस फंक्शन इज 2 बट नॉट 1, सो दैट मीन्स देखा, सो द सी इज 2 बट नॉट 1। अभी एक मैप्स फ्रॉम r माइनस 0 टू r एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 1 by x, सो द सीज इज वेट, देखो यहीं पे क्या होगा x टेंड्स टू, सो द सीज यहीं पे क्या हो रहा है देखो, सो द सीज इज वेट, ठीक है एफ एक्स एक्चुअली क्या है देखो, इसका जो ग्राफ है, सो दिस इज इसका ग्राफ ऐसा, ये y इक्वल टू x, सो द सीज इज लाइक दिस, एंड सो दैट मीन्स फ्रॉम द ग्राफ ऑब्वियसली यू कैन से, सो दिस इज नॉट 1 ये 1 नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका जो रेंज है, जब x का वैल्यू 1 है तो ये 2 देगा, 2 से इन्फिनिटी, और x का वैल्यू जब -1 है, -∞ से 2 है, तो रेंज ऑफ f इज वर्ड -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी है, सो दैट मीन्स इसका सब तो इक्वल नहीं है, सो दिस इज नॉट 2 है, ठीक है। एंड एंड क्या देखो, यहीं पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, 2 पॉइंट में कट रहा है, सो दैट मीन्स क्या, ये 1 भी नहीं है, सो दैट मीन्स क्या, सो दिस इज नाइदर 1 नॉर 2। नाउ इफ फ्रॉम दिस एफ एक्स इक्वल टू, सो दैट इज व्हाट, 2x + sin x, तो ये इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 2 + cos x, व्हाटएवर यू विल कंसीडर फॉर x,
तो ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, कितने इसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, तो ये हमेशा पॉजिटिव है। सो दैट मीन्स क्या, हमेशा जब पॉजिटिव है सो यू कैन से एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो दैट मीन्स इज वेल एफ इज 1 फंक्शन है। ठीक है, क्लियर, ये तीनों कंक्लूशन यू कैन ड्रॉ हियर। नाउ अभी क्या है देखो, सो दिस इज इसका रेंज क्या होगा, ऑब्वियसली यू कैन से इसका जो रेंज है, ठीक है, देखो यहीं पे एफ टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वायर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, सो दैट मीन्स क्या, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो आर है, सो दैट मीन्स क्या, ये ए ऑन टू है, सो माई डियर फ्रेंड, सो दिस इज 1 एज वेल एज ऑन टू है, सो दिस इज इसका जो ऑप्शन है, सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। So in this video you have got 5 super most simple pattern problem which are innovative, scientific, constructive and conceptual problems. These type of problems generally asked in JEE Advanced exams. If you want to get very good marks in JEE Advanced exams, you have to follow me, follow my channel, follow my instructions and practice these fantastic problems, clear? To improve your confidence. So my dear friends, many two questions I discussed around according to this pattern, 40%, 20%, 20%, 20%, 40% generally simple questions रहता है, indirect way पे रहेगा, आपको catch करना है, if you understand the subjects, then definitely clear, you can catch of all those questions. 20% medium level रहता है, if you work with me, if you clear, if you follow me, then you can easily solve. And so this is मेरा aim है, 20% जो hard questions रहता है उस पर आपका masterize कराना है. And ये जो 20% है, so this is top 200 rankers के लिए. If you understand the subjects and if you are intelligent, brilliant, ठीक है, and so आपका अंदर दम है, so then you can easily solve these type of questions. So my dear friends, if you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel, JEE Maths Wala.